अभी मैं लाउंज से निकल के यहाँ पे डिपार्चर पे आ गया हूँ। मामन भी ऊपर एक फ़ोटो खींचा है तो वो अपलोड करने के लिए रेडी कर रहा है। मैं एक टाइट कोक ले लिया हो। चलिए आपको इंटरनेशनल लाउंज दिखाते हैं कैसा है बेसिकली। तो अनाउंस हो रहा है हम लोगों का एयर इंडिया 117 नंबर गेट है। तो चलिए पहले ढूंढते हैं, इधर में दिखा रहा है, पहले ढूंढ लेते। तो ये मिल गया हमको नीचे 117 जाने का रास्ता। तो चलिए चलते हैं अपना स्थान पे। और एक्चुअली बहुत ही बड़ा है इंटरनेशनल, आप देख पा रहे हैं। मामन भी नाच रहे हैं जाने के लिए। बोलो कुछ। एक्साइटमेंट यहाँ पे 117 नंबर पे मैं आ चुका हूँ। आप देख पा रहे हैं ये मेरा गेट है। तो चलिए बोर्डिंग करते फिर आपको एक्सपीरियंस बताते हैं। तो अभी हम लोग इंडिगो फ्लाइट पे सामने आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए हम लोग का इंडिगो इंटरनेशनल फ्लाइट। इंजन का बहुत साउंड है तो इसको पकड़ो थोड़ा। ये बोर्डिंग पास के लिए बहुत दो तीन बार झमेला हो चुका है ऑलरेडी मेरे साथ, क्योंकि यार एशिया एक्सप्रेस का बोर्डिंग पास है। चले मैं अंदर घुस के बताता हूँ। हम लोग अभी बोर्डिंग कर चुके हैं, फ्लाइट के अंदर में है, लेकिन जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था हम लोग कि ये जो आप देख रहे हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस लिखा हुआ बोर्डिंग पास, बेसिकली हमको गुवाहाटी से डायरेक्ट दे दिए थे, गुवाहाटी टू चेन्नई, चेन्नई टू आप देख पा रहे चेन्नई टू कोलम्बो। तो ये एयर इंडिया का ही ये दूसरा एक जो एयर एशिया था, खरीदने के बाद इसको ब्रांच बना दिया, इसको एयर इंडिया एक्सप्रेस बना दिया। लेकिन चेकिंग में भी और अभी फ्लाइट में वो चढ़ते समय भी रोक दिया था दो तीन बार, तो पहले समझाना पड़ा, फिर फ्लाइट नंबर देके लोग अभी देखने के बाद वेरीफाई किया, फिर बोला ठीक है चलो। है कि नहीं मामा? अभी हम लोग बैठ गए। है कि नहीं मामा? तुमको भूख लग रही है क्या? उसका सीट इधर है, वो ऐसे ही बैठा हुआ उधर। खाली है तो बैठ गया। तो हम लोग अभी रात के कितना बजे है? एक सेकंड, इट्स 12:12। तो हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं, दो बजे पहुंचने वाले हैं। बहुत टायर्ड है, इवनिंग से हम लोग का जर्नी फ्रॉम 4:00 हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो गया था, तभी स्टिल गोइंग ऑन राइट। ये हो गया फ्लाइट, आप देख पा रहे और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग लाउंज पे इतना खाना खा के इतना डिनर हुआ, अभी मैं तो थोड़ा फुल हूँ, फिर भी हम लोग को अभी फ्लाइट में डिनर दे दिया है, पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। और डिनर में है क्या है, ये वड़ा है, यहाँ पे कुछ स्टफिंग दिया हुआ है रोटी के अंदर, और इसमें है स्पाउट है, और यहाँ पे केक। तो पता नहीं मैं कितना फिनिश कर पाऊँ, अशंजीत को कितना खा पाएगा। मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। बसंत जी सुबह से इतना पेट में इतना जगह कहाँ से आ रहा है? सुबह से नहीं, शाम से। मैं कल से उसको नोटिस कर रहा हूँ, उसके पेट में इतना जगह कहाँ से आ रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड हम लोगों ने सिर्फ एक्सचेंज कर लिया या सो ये है हमारा पूरे। तो हमने इमरजेंसी एग्जिट का सामने
सीट एक्सचेंज कर लिया था क्योंकि यहाँ पे लेग स्पेस बहुत है और जनरली फ्लाइट बहुत खाली है अभी। तो चलिए, ऐसे भी हम लोग गुवाहाटी से चेन्नई जब आए उस एयरलाइंस में भी, उस फ्लाइट में भी बहुत सीट खाली था, यहाँ पे भी सेम। सो हम लोग मज़े में जा रहे हैं, अपनी खुद का सीट खुद ही चॉइस करते हैं, करते हुए जा रहे हैं। तो फिनिश करते हैं पहले, फिर बताते हैं। तो फाइनली हम लोग कोलंबो श्रीलंका पहुंच चुके हैं। अभी 10-15 मिनट पहले बिफोर टाइम लोग अराइवल हो चुके हैं। और कैसा है? बहुत ही अच्छा था जर्नी। अब रात, अभी मॉर्निंग 1:57 हुआ है, तो 2 बजे है। तो अभी हम मेरे बॉडी में इतना एनर्जी नहीं है, अभी मुझे घूम जाना है, सोना है, फिर कल से निकल जाना है। ट्रिप चालू है। तो ये हो गया कोलंबो एयरपोर्ट। चलिए पहले बैग लेते हैं, तो ये है कोलंबो एयरपोर्ट का नज़ारा। इंटरनेशनल ट्रांजिट है, आप देख पा रहे इधर दूसरा एयरलाइंस कंपनी का है इधर। ओ हाउ इज द जोश अय्या, अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, टायर्ड में भी अच्छा लग रहा है। देखना लंका में आके तुम रावण ना बन जाओ। चलो अभी हम लोग को प्रशंजीत के यहाँ पे कोई अच्छा मिल गया तो मैं प्रशंजीत को छोड़ के श्रीलंका में सेटल हो जाऊंगी। तुम्हारा इरादा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बेसिकली। कोलंबो एयरपोर्ट, बाहर निकल के अगर हम सोच रहे हैं। तो हम लोगों का श्रीलंका का भी इमिग्रेशन हो चुका है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं था। वो वीजा फ्री था तो हम लोग ऑनलाइन वीज़ा फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्चुअली, हाँ वीज़ा फ्री का मतलब ये भी हो सकता है कि आप वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है, लेकिन हमको पता नहीं था एक्चुअली कि यहाँ पे आके आपको वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा लेना पड़ेगा। तो पहले तो हम लाइन पे लग गया था, फिर एक भाई ने उनसे बात हो रहा था, फिर बोला कि आपने ऑनलाइन नहीं किया तो या फिर ऑफलाइन लेना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल एक ETF फॉर्म था और पासपोर्ट को स्कैन के ETF फॉर्म दे दिया, बस इतना सा ही, और ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर इमिग्रेशन में कुछ पूछा भी नहीं। हम लोग अभी एग्जिट हो चुका है तो अभी बैग के लिए जाए, उसके फिर ड्यूटी फ्री में कुछ खाने का चीज़ मिलता है तो देखते हैं। चलिए आपको भी ड्यूटी फ्री में ऐसे कुछ मिला नहीं है हमको, क्योंकि अभी लेके बैग भर के कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जिट के समय अगर कुछ मिलेगा तो हम लोग जब निकलेगा तब दिखा जाएगा। तो अभी हमको जाना है बेल्ट 2 में, हम लोग का बैग लेना है। हमको तो इतना मुझे डर लग रहा है कि मैं शाम को 4 बजे मेरा लगेज देखी थी देने के टाइम में, अभी सुबह 3 बज चुका है, अभी तक मेरा लगेज मैंने देखा नहीं है, पता नहीं है भी या नहीं। तो बेल नंबर 2 ढूंढते हैं पहले। बेल नंबर 2, हाँ 273 है ये। हम लोग का बैग यहीं पे घूम रहा है, चलिए इसको लेते हैं पहले। बैग आ जाओ। तो हम लोग का दोनों बैग हम लोग के लिए रुका हुआ था, तो अभी बाहर जाते हैं। हम लोगों का ड्राइवर शायद वेट कर रहे हैं हम लोगों का, तो है कि नहीं? नींद आ रहा है? नींद नहीं, श्योर? टायर्ड है थोड़ा। चलिए अभी एग्जिट करते हैं कोलंबो
आज ये मेरे पीछे पीछे श्रीलंका एक्सप्लोर करते हैं। अगले 10 दिन हम लोग के साथ। हम लोगों को फाइनली अपना ड्राइवर मिल गया अपने नेम प्लेट के साथ। उनका नाम क्या है? अभी पता चल जाएगा सब। तुमको अभी सब चाहिए एक साथ? ओह श्योर, थैंक यू। तो चलिए एग्जिट करते फिर बातचीत करते। तो हम लोग एग्जिट कर चुका है और ड्राइवर ने हमको सिम भी दे दिया है। ये देखिए यहाँ का सिम का नाम कुछ डायलॉग है कंपनी का नाम, और हमने सुना भी है और बहुत पॉपुलर है इस कंपनी का। और यहाँ पे बहुत 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 गर्मी है, बहुत मतलब 28 टू 30 डिग्री चल रहा है अभी। तो वो 20-30 भी अभी बहुत है, क्योंकि मैं तो खुद अभी आप देख सकते हैं मोटा एक गेंजी पहना हुआ है, तो गर्मी तो मुझे बहुत लग रही है। यहाँ पे दर्द कर रहा है थोड़ा थोड़ा गर्मी के कारण, और इमिग्रेशन पे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम हम वीज़ा फ्री में आए हैं। फिर भी कि प्रोसेस का पता नहीं था कहाँ पे जाओ, लेकिन यहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर वगैरह है बहुत ही पोलाइट है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली। गाइड भी करते हैं, खुद भी हेल्प कर देते हैं, तो बहुत आसानी से क्लियर हो गया इमिग्रेशन। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक ठीक ही रहा। बात के बाद छोड़ दो, अभी मेन पॉइंट में है कि हम लोग श्रीलंका में है। चलिए यहाँ का गाड़ी वगैरह दिखाते हैं कैसे है। देखिए ऐसे ग्रुप में जो भी आते हैं ऐसे गाड़ी आता है। अभी हम लोग का गाड़ी आएगा इधर, और ड्राइवर भैया से भी थोड़ा बहुत बात हो गया है, वो गाड़ी लेके आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे रुका हुआ है। यहाँ पे टैक्सी इन्फॉर्मेशन आपको अंदर में भी सिम वगैरह सब मिल जाएगा, लेकिन हमने लिया नहीं, अच्छा ही हुआ भैया ने दे दिया। नहीं, हम लोग ने एक पैकेज सिस्टम किया हुआ था ना, इसलिए हाँ। हम लोग को सिम लेना नहीं पड़ा, उन लोगों ने ही प्रोवाइड किया। ठीक ठीक। और आप लोगों को अगर सिम जरूरत होगा तो आप अंदर भी ले सकते हैं एयरपोर्ट का, और बाहर तो मिलेगा ही। आप लोग विदाउट पैकेज में आए तो आप लोग को अंदर से सिम मिल जाएगा, बाहर में भी मिल जाएगा। तो आगे देखते रहिए, आपको और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हम लोग का गाड़ी आ गया है टोयोटा का, तो चलिए अंदर बैठ के अभी जाते हैं। जैसे कि पैकेज में था सिम, पानी, वाटर बॉटल, सब कुछ है। भैया आपका नाम? आशीष। आशीष, हाँ। आपका नेम? प्रसन्न। का नाम? आपका नाम, हाँ। तो भैया को हम हिंदी सिखा रहे हैं, भैया हमको श्रीलंका सिखाएगा। श्रीलंकन। तो अभी चलते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको आगे बताता हूँ। आपको कुछ बोलना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ का गाड़ी डिफरेंट टाइप का है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार ना। हाँ। ये सब एक्चुअली टोयोटा का ही गाड़ी है, लेकिन इंडिया में ये सब अवेलेबल नहीं है बोल के हम लोगों को ऐसा लग रहा है। तो ये सब डिस्टेंस फ्रॉम आवर एयरपोर्ट टू रिजॉर्ट हाउ मच? 150 ऑलमोस्ट। इट्स लाइक 3 hours 3-4 hours 3-4 hours ओह माय गॉड। तो अभी हम लोग का जो डेस्टिनेशन है सिगिरिया। एंड टुडे मॉर्निंग फ्रॉम व्हिच टाइम विल कम आउट फॉर यू? लेट्स डिस्कस लेटर। तो टुडे सर यू आर बिकॉज़ ऑफ योर फ्लाइट टाइम वी मिस द मिसिंग वी विल मिसिंग द elephant orphanage, right? Okay. It's on the way, but we can't went back, go back. Okay. To watch the next few days. Okay. You can cover that the Nilgiri safari you are, I don't really have. No. There are a lot of elephants, they're showing.